अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सादिक खान अपनी नई वीडियो के साथ। तो आज जा रहे हैं हम मंडी, इंशाल्लाह कुर्बानी के लिए जानवर लेने जा रहा हूं। देखें अल्लाह पाक ने इस बार नसीब में क्या लिखा है। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं मंडी। तो दोस्तों, आपको ये बड़ा सा झूला दिख रहा होगा, ये है अक्सरी पार्क और यहाँ बहुत ज़बरदस्त राइड्स हैं, लेकिन अभी कोरोना की वजह से ये पार्क बंद है। तो खैर, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आज मैंने निकाल ली अपनी वीगो। मैं बहुत डर रहा था क्योंकि मंडी का बहुत बुरा हाल है, बारिश की वजह से कीचड़ है बहुत, लेकिन मैंने अपने दिल पे हाल रख के आज अपनी वीगो को निकाल ही लिया। तो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको अपनी वीगो। टन टना, ये है मेरी वीगो। नो 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 नो, तो दोस्तों अभी आपने देखी मेरी वीगो। खैर, छोटा सा मजाक था, हंसी मजाक होना चाहिए, तो इस वजह से मैंने छोटा सा आप सबके साथ मजाक किया। खैर, अभी हम पहुंच गए हैं मंडी और माशाल्लाह काफ़ी गाड़ियां जा रही हैं, उसके अंदर जानवर भी हैं। तो अभी ऐसा लग रहा है कि मंडी के रेट थोड़े कम हैं, माशाल्लाह काफ़ी जानवर जा रहे हैं, बहुत सारे जानवर जा रहे हैं, यानी सबका सौदा बन रहा है। तो आगे जाके देखते हैं क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मवेशी मंडी साल 2020 का आपको मनाजिर दिखा रहे हैं इस वक्त। यहाँ रेहान शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये सोशल वर्कर हैं, ये भी सोशल मीडिया वर्कर हैं। शाह साहब क्या कहते हैं, बकरा मंडी के अंदर उस तरह से ख़रीदारी नहीं दिख रही, रीज़न क्या है इसके पीछे? बकरा मंडी के अंदर ख़रीदारी ना दिखने की वजह जो है इस वक्त वो यही है कि फ़िलहाल ईद में अभी 3 दिन तकरीबन बाकी है, जिसकी वजह से लोगों का जो रुझान है वो फ़िलहाल अभी तक जो है वो नज़र आया है कि बड़े जानवर की तरफ ही है। लेकिन ये कि आने वाले कल और परसों के दिन में जो है ये छोटे जानवर की तरफ रुझान लोगों का बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, मंडी में उतरने के बाद हमने ये देखा कि कोई छोटा जानवर हमें ऐसा नहीं दिखा जो 40 से स्टार्ट हो रहा हो। छोटे जानवर के रेट जो स्टार्ट हो रहे थे 70, 75, 80, 90, इस तरह फिर ऊपर जा रहे थे, लेकिन कोई ऐसा जानवर नहीं दिखा जिसके रेट 40, 50 ऐसे हों। खैर, हमें एक ये जानवर दिखा था, ये ऑस्ट्रेलियन था और 3 लाख इसके मांग रहा था और 1.80 में डन हो गया था, लेकिन इसको नज़ला बहुत हो रहा था और ये चारा नहीं खा रहा था, इस वजह से हमने इसको कैंसिल किया। तो फिर हम पहुँचे दोस्तों सेब्बी की तरफ। माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत होते हैं, हाइट में लंबे होते हैं, रोबदार होते हैं और गुस्से के थोड़े तेज़ भी होते हैं, और माशाल्लाह मुझे भी बहुत बहुत पसंद है ये, और माशाल्लाह हर साल हमारे यहाँ सेब्बी आता है। खैर, ये ब्लॉक 8 में खड़े हुए हैं और माशाल्लाह ये तकरीबन 10 हैं इस आदमी के पास, और ये मांग रहे हैं इसके 4-3 के भी इनके पास, इससे कम के नहीं है। खैर, हमने ये जो खड़ा हुआ है इसके 2 लगा दिए थे, लेकिन सौदा नहीं बना। इन्होंने कहा कि 2 से बात नहीं बनेगी, 3 से नीचे मैं जाऊंगा ही नहीं, तो इनसे सौदा नहीं बना। लेकिन माशाल्लाह मुझे बहुत प्यारे लगे थे ये, दिल चाह रहा था बस रस्सी खोलूं और घर पे लेके आ जाऊं इनको। तो दोस्तों, जो नसीब में होता है वही मिलता है। तो देखते हैं अल्लाह पाक ने हमारे नसीब में क्या लिखा है और हम अपने साथ क्या लेके जाते हैं। तो मेरे साथ ही रहिएगा,
देखते हैं नसीब में क्या है। तो सौदा बन गया, मुझे मेरा सिप भी मिल गया। मैंने आप सबको कहा था जो नसीब में होता है वही मिलता है, तो मेरे नसीब में ये प्यारा सा सिप भी था जो मुझे अल्लाह पाक ने दिलवा दिया है। तो उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप सबको एडवांस में ईद उल अज़हा मुबारक हो। तो अपने दोस्त सादिक खान को दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाना है आपको।